आशंका तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम पेपर लीक ना हो। डर भी है इस चीज़ को लेकर कि हर बार पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण से सारा व्यर्थ मेहनत जो है सारा। 11वीं JPSC की परीक्षा की जो पहली पारी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो रही है, और धनबाद जिले में कुल 65,000 परीक्षार्थी आज इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 341 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके विरुद्ध जो भर्ती परीक्षा है वह चल रही है, और राज्य के अलग अलग हिस्सों से, दूसरे राज्यों से भी कैंडिडेट जो है वो पहुँचे हुए हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से सुरक्षात्मक माहौल में परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है। और अलग अलग जिलों से जो कैंडिडेट आए हुए हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो साथी हैं, जो कम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि इन्होंने संभवतः एग्ज़ाम में शिरकत नहीं किया है, जिसकी वजह से ये बाहर हैं। तो जानते हैं कि किस तरह से जो पहले जो परीक्षाएं हुई और एक बार फिर से JPSC की परीक्षाएं हो रही, कई बार विवादों में रही, और इस बार तो अभी तक विवाद नहीं आया है, फिर भी आप लोगों के मन में कुछ संशय है क्या? डाउट तो है कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ JSSC का, उसमें हो रहा था, CGL का पेपर लीक हो गया था। CGL का पेपर लीक हो गया, आशंका तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने के बाद छात्र का बिल्कुल जो मेहनत होता है वो तो बर्बाद हो जाता है। मेहनत बर्बाद होता है, उसके बाद जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आने जाने में कम से कम 2,000 रुपये खर्चा होता है कम से कम एक छात्र का, जाना रहना, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर पड़ा था सबका, ट्रेन का सुविधा इतना नहीं होता है, क्योंकि जाते हैं ट्रेन में रहते हैं, वहाँ पे सोते हैं स्टेशन पे, फिर किसी तरह करके वो वापस आते हैं तो मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो छात्रों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। एक मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह से प्रताड़ना है, शिकार हो गए हैं। जी हाँ, आप बताइए कि यह जो परीक्षा हो रही है, आप लोगों ने फॉर्म क्यों नहीं भरा? मैंने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, भैया को दिलाने आए हैं। भैया को दिलाने आए हैं। पहले जो परीक्षाएं जो लीक हुई हैं पेपर, उसके वजह से कुछ डर मन में बना हुआ रहता है? इस बात के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? जामतारा से। जामतारा से भाई साहब, आप बताइए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है? यस सर, कर लिया हम। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है 2018 में। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम SSC का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल का तो तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे ही पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा सब, डर भी है इस चीज़ को लेकर कि हर बार पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण से सारा व्यर्थ मेहनत जो है सारा हो जाता है, इसलिए। बिल्कुल। ये बताइए, आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? हमारा SSC का ही तैयारी चल रहा है, CGL का भी मैंने बैठा था, बट हमारा बना नहीं था, तो 2 नंबर से हमारा कहीं हो गया, इस कारण से हो नहीं पाया। पर सर, हमारा जो एग्ज़ाम अभी हो रही है JSSC का, तो इससे एक डर होता है कि हर बार कैंसिल हो जा रही है, लीक हो जा रही है, जिसके चलते थोड़ा सा डर है कि इसलिए हम लोग भरा भी नहीं कि चलो इस बार नहीं भरते। अगर ये 11वीं JPSC अगर संपन्न हो जाए सफल तरीके से, तो फिर आप लोग फिर JPSC की तैयारी करेंगे? गवर्नमेंट से है कि इस बार सफल से हो जाए और अच्छे से हो जाए तो हम लोग जरूर भरेंगे। नहीं, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत अधिक नहीं चलने वाली है, लेकिन गिरोह जो है वो कहीं ना कहीं जरूर इस मामले को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होने का प्रयास करता है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं पिछली दफ़ा वाले केस में, और CBI जांच की जो मांग थी आप लोगों की वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सर, हम बोलेंगे कि इतना नहीं पता, पर इतना बोलना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम हो रही है और जो मेहनत कर रहे हैं, जितने भी हमारे मतलब स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छे से हो जाए, और इन लोग को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से सब कुछ हो जाए, बस इतना ही बोलना है सर। ये बताइए कि पिछली दफ़ा जो एग्ज़ाम हुआ था और जब अचानक पता चला कि पेपर लीक हो गया, तब किस तरह के मानसिक प्रताड़ना से या फिर परेशानी से गुजरे थे आप लोग? सर, मैं 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया था, मैं अपना पर्सनली बताया, मैं एग्ज़ाम दिया, मैंने तैयारी भी किया था, पर 2 दिन से खाना नहीं खाया, डिप्रेशन चला गया था, मन कोई चीज़ नहीं कर रहा था, फिर घर ने सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट किया, फिर जाके थोड़ा सा रिबिल्ड करके अपना से फुल तैयारी स्टार्ट। क्या नाम हुआ और कहाँ से है? सर, मैं कामदेव। आपका नाम क्या बाबू? मेरा नाम किशन टुडू हुआ, हम देवघर से आए। देवघर से आए जी। ये जो परीक्षा है, आप किसी को दिलाने आए हैं? जी, मामा को दिलाने आए हैं। मामा आए हैं जी। कैसी तैयारी है उनकी? उनकी ठीक ही तैयारी है। तो ये जो तमाम छात्र हैं, खास करके बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो एक धारणा और धारणा बन गई है कि JSSC की CGL की जो परीक्षाएं पूर्व में ली गई थी और उसका पेपर लीक हुआ था, उसके वजह से जो छात्रों की परेशानी हुई वो अवसाद में चले गए, मानसिक रूप से कई बार वो बीमार पड़ गए,
और अब वो उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से गुहार इतना ज़रूर लगा रहे हैं कि जो परीक्षाएं आज हो रही हैं 11वीं जेपीएससी की, जिसमें 341 पदों पर अलग अलग पदों पर बहाली होनी है, जो छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनका वीडियो सीओ, अपर समर्था, डीएसपी आदि बनने का जो सपना है वो साकार होगा। इसमें कम से कम सही तरीके से परीक्षाएँ सम्पन्न हो और पारदर्शी तरीके से परीक्षा को सम्पन्न करा कर जो इसका रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाए, ताकि छात्रों का जो ईमानदारी पूर्वक किया गया मेहनत है, परिश्रम है और लंबे समय का जो इंतजार है वो उनका बेकार नहीं जाए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।